कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। पार्टी ने उत्तर और दक्षिण गोवा के संसदीय क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना, खंडवा और ग्वालियर और दादर एवं नगर हवेली के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। गोवा की बात करें तो रमाकांत खलपर उत्तर गोवा से चुनावी मैदान में होंगे। वहीं दक्षिण गोवा से कैप्टन विरियातो फर्नांडिस चुनाव लड़ेंगे। गोवा से मौजूदा कांग्रेस सांसद फ्रांसिस्को सरदीहा को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची में मध्य प्रदेश के मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकारवर, जबकि ग्वालियर से प्रवीण पाठक चुनावी मैदान में होंगे। वहीं खंडवा से नरेंद्र पटेल को उम्मीदवार चुना गया है। इसके अलावा दादर एवं नगर हवेली पर अजीत रामजी भाई महिला पर पार्टी ने दाव खेला है। इससे पहले कांग्रेस ने 2 अप्रैल को एक और सूची जारी की थी। इसके मुताबिक YS शर्मिला रेड्डी आंध्र प्रदेश के कडप्पा से, MM पल्लवम राजू काकीनाडा से चुनाव लड़ेंगे। सूची में मोहम्मद जावेद को किशनगंज और तारिक अनवर को कटिहार से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले पार्टी ने बीते दिन महाराष्ट्र के अकोला और तेलंगाना की वारंगल लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था। बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरण में चुनाव होना है और मतगणना 4 जून को होगा।